प्रभात दोस्तों, अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस को भी शेयर। आप ये समझ सकते हैं कितनी जटिल समस्याएं हैं ज़िंदगी की, बट वो हमें निभाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, यही है जो सच्चाई है और आप इसको इंजॉय करें और तथास्तु कहकर मूव ऑन करें, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी और कारगर होने के बावजूद ये कई बार इतनी कारगर नहीं हो पाएंगे। तो आज का एक्चुअल एजेंडा यही है कि वायु, तो वायु जो हैं, वायु के पुत्र जो हैं वो हनुमान जी कहलाते हैं। और मेन पॉइंट क्या है कि वायु के बिना एक सेकंड भी बित पाना आपका नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि आप वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी वायु आपको आगे तक ले जाने में कितनी कारगर है। आपकी बॉडी का पार्ट अगर देखें तो कितना कंपोज ऑफ वाटर एंड हाउ मच इज़ एक्चुअली देयर, विच ऑल्सो कंप्राइजेज इन योर ब्लड विच इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम ही करता है। विचित्र लगती है बात, बट सच्चाई है। और अगर ऑक्सीजन ना हो आपके पास वायु के थ्रू, तो आप एक भी अंग को रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेकंड अगर ब्रेन में एक सेकंड नहीं जाता ऑक्सीजन, तो वो ब्रेन आधी चीज़ों में प्रॉब्लम करके आपके आधे अंग कई बार पैरालिसिस अटैक हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके पार्ट्स आर डिस्कार्डेड, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेकंड वायु नहीं आई आपके पास। तो वायु की अहमियत आप इस हद तक समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सेकंड आपकी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकती है अगर नहीं पहुंची सही जगह। और सही जगह आपके पूरे बॉडी पार्ट हैं, लेकिन हाँ, ख़ास तौर पे ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इज़ दी पावर हाउस ऑफ योर बॉडी और उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। और अगर आप उस तरह से देखें तो फूड इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड पर कैपिटा के हिसाब से, जितना आपका प्रोपोर्शनल यूसेज है पूरी बॉडी का, उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूसेज होता है ब्रेन का, जबकि पार्ट कम है लेकिन यूसेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही चला रहा है, तभी ये कहीं ना कहीं बॉडी का सबसे ऊपर है, ऊपर वाले शिला पर, क्योंकि इसी ने सारा बनाना या बिगाड़ना है। तो ये सारी बातें अपनी जगह और वायु अपनी जगह। तो आप समझें अहमियत वायु की उस हद तक कि एक सेकंड ना मिले तो आप ख़त्म। और हाँ, यही है क्लैरिटी, जब तक मिलती रहे तो आप वायु को उसी हद तक इम्पॉर्टेंट माने और पल्यूट ना करें, क्योंकि जो क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो आपके एसी और फ्रिज से निकलते हैं, ये ओजोन जो लेयर है उसको डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट होने से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है ओजोन का, यानी कि योर एंटायर रेज विच आर कमिंग डायरेक्टली टू दी अर्थ, वो इम्पैक्ट होती हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्मफुल रेज एंटर करती हैं, जिससे इवन कैंसर्स रेट्स हैव इंक्रीज, डिजीजेस हैव इंक्रीज, ऑल दीज थिंग्स हैव इंक्रीज ड्यू टू दैट ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम सोर्स, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज एयर इन योर लाइफस्टाइल, इन योर ब्रीथिंग हैबिट्स एंड योर बॉडी पर से। तो आप उसको समझें, इम्पॉर्टेंस को, और सराहें और उसको कारगर बनाएं और आगे तक लेके जाएं, क्योंकि यही सब इम्पॉर्टेंट है। और अब आपको इम्पॉर्टेंट काम करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और कल फिर मिलेंगे। सायोनारा बाय।